उमेश की हत्या की साजिश इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम बोर्डिंग हाउस में रची गई थी। गाजीपुर जिले बारा का रहने वाला शमशाद का बेटा सदाकत यहां अवैध रूप से कमरा लेकर रहता था। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने हाई कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराया था। जो कॉन्स्पिरेसी में एक व्यक्ति सम्मिलित हैं, सदाकत खान सन ऑफ शमशाद खान, बारा थाना गहमर जनपद गाजीपुर के, इनकी करीब 27 साल के आसपास उम्र है और इनकी पूछताछ की जा रही थी। इनिशियली इन्हें अरेस्ट किया गया और मतलब इनको पूछताछ हेतु लाया गया और इनको एसटीएफ के द्वारा लाया गया था। फिर इनसे पूछताछ हुई। इनका रोल ये है कि इनका जो मुस्लिम हॉस्टल के अंदर कमरा है, उस कमरे के अंदर साजिश की बात इनके द्वारा बताई गई है और जो उसमें कुछ लोग जो सम्मिलित हैं उनके नाम इन्होंने बताए हैं। उसमें व्हाट्सएप कॉलिंग से जो कॉल आया है और उस कॉल के बारे में इन्होंने कुछ डिटेल्स डाइवर्ज किए हैं। इनकी जो पूछताछ के दौरान इन्होंने सूचनाएं दी हैं, इसके संबंध में पुलिस की टीम के द्वारा इनके रूम की तलाशी ली गई और रूम की तलाशी में कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं। उसकी बरामदगी के बाद ये जब वापस आ रहे थे तो इन्होंने भागने का प्रयास किया और भागने के प्रयास में ये डिवाइडर से टकराए और डिवाइडर से टकरा के ये गिरे हैं। डिवाइडर से टकरा के गिरने में इनको चोट आई है और इनको चोट आने के बाद इनको उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। उमेश पाल मर्डर केस में शामिल शूटर गुलाम से उसकी अच्छी दोस्ती है। गुलाम यूनिवर्सिटी में आता रहा है। यही अतीक के बेटे को भी बुलाया गया था। इसके बाद अधिवक्ता के इसी के कमरे पर अतीक के बेटे ने हत्या की प्लानिंग कर शूटरों का इंतजाम किया था। घटना के बाद वह नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले गोरखपुर एसटीएफ ने उसे पकड़कर प्रयागराज पुलिस को सौंप दिया। प्रयागराज पुलिस उसे लेकर एमवी हाउस में छापामारी की तो वह भागने लगा, लेकिन इस दौरान वो डिवाइडर से टकराकर जख्मी हो गया। अभी उसे इलाज के लिए प्रयागराज के स्वरूपरानी अस्पताल में भर्ती कराया है। सदाकत ने ही अतीक के बेटे को शूटर मुहैया कराया था। ये सभी व्हाट्सएप कॉल के जरिए आपस में बातचीत कर रहे थे। 24 फरवरी को उमेश की हत्या के बाद से ही सदाकत भागकर गोरखपुर आ गया था। वो नेपाल भागने की फिराक में था। इनका रोल ये है कि इनका जो मुस्लिम हॉस्टल के अंदर कमरा है, उस कमरे के अंदर साजिश की बात इनके द्वारा बताई गई है और जो उसमें कुछ लोग जो सम्मिलित हैं उनके नाम इन्होंने बताए हैं। उसमें व्हाट्सएप कॉलिंग से जो कॉल आया है और उस कॉल के बारे में इन्होंने कुछ डिटेल्स डाइवर्ज किए हैं। इनकी जो पूछताछ के दौरान इन्होंने सूचनाएं दी हैं, इसके संबंध में पुलिस की टीम के द्वारा इनके रूम की तलाशी ली गई और रूम की तलाशी में कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं। उसकी बरामदगी के बाद ये जब वापस आ रहे थे तो इन्होंने भागने का प्रयास किया और भागने के प्रयास में ये डिवाइडर से टकराए और डिवाइडर से टकरा के ये गिरे हैं। डिवाइडर से टकरा के गिरने में इनको चोट आई है और इनको चोट आने के बाद इनको उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। हाँ, इनको चोट लगी है। इनको क्योंकि एक संग ये निकलने का प्रयास कर रहे थे, वहाँ थोड़ा कुछ भीड़ आ गई, ये भागने का लाभ उठा के फायदा उठा के भागने का प्रयास किए। भागने के प्रयास में डिवाइडर से टकरा के गिरे हैं। गिरने से इनको चोट आई है। उपचार के लिए अभी इनको हॉस्पिटल ले जाया। विश्वविद्यालय के छात्र हैं क्या? अरे नहीं, ये छात्र हैं। अभी मैं इसके और डिटेल्स दूंगा क्योंकि मैंने हॉस्टल कैसे मिला था इसको सदाकत के। ये वहाँ पे हाँ, ये उसके एलएलबी के छात्र अभी बताया है इन्होंने, हम तस्दीक कर रहे हैं और इनके द्वारा नई छात्र हैं द्वारा बताया। अभी हम तस्दीक कर रहे हैं कि ये दी हुई इन्फॉर्मेशन है।